हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर। दोस्तों, भारतीय टीम ने रायपुर में न्यूजीलैंड टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में एक तरफा 8 विकेट से हरा दिया। मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 34.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 108 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने T20 के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 20.1 ओवरों में 2 विकेट खोकर 111 रन बनाते हुए यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 50 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के उड़ाते हुए 51 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा की इस पारी के दौरान मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शामिल लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर लगाया गया छक्का इस पूरे मैच के आकर्षण का केंद्र रहा। कप्तान रोहित ने 5वें ओवर की 4थी गेंद पर फाइन लेग पर छक्का जा लगाया। चौंकाने वाली बात यह रही कि फर्ग्यूसन की यह गेंद 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की थी और काफी उछाल वाली भी थी, लेकिन रोहित तो रोहित ही हैं। उन्होंने हुक शॉट लगाते हुए गेंद को हवा में टांग दिया। दोस्तों, दरअसल रोहित ने फर्ग्यूसन की पेस का ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। गेंद सीधे हवा में बलखाती हुई बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। फर्ग्यूसन सिर्फ दर्शक बनकर देखते रहे। दूसरी ओर कमेंट्री बॉक्स में रोहित के शॉट की तारीफ हो रही थी। पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़ कह रहे थे कि रोहित जानते हैं इस तरह की गेंदों पर किस तरीके से पंख लगाना है। उन्होंने गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल किया और नतीजा 6 रन रहा। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी लगाने के बाद शिपले की गेंद पर LBW आउट हो गए, लेकिन तब तक टीम इंडिया जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उनका विकेट 72 रनों पर गिरा था। इसके बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली आए और वो 11 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन शुभमन गिल और ईशान किशन ने टीम इंडिया को जीत दिला दी। गिल ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ईशान किशन 8 रन बनाकर नाबाद रहे।